अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जनरल रिसर्च टीवी के हिस्ट्री सेगमेंट में खुश आमदीद। दोस्तों, हम आप तक लेकर आते हैं रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नाज़रीन, तुर्क लोग अपनी तारीख कभी नहीं बोलते, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी तारीख दुनिया को दिखाते रहते हैं। आजकल वो अपनी तारीख ड्रामों के जरिए दुनिया को दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने तुर्किश ड्रामों में अपनी दिलचस्पी को बहुत ज़्यादा जाहिर किया है। तारीखी तुर्किश ड्रामों को दुनिया भर में बहुत ज्यादा पजीराई हासिल हुई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 दिलचस्प तारीखी तुर्किश ड्रामों की जिनको तुर्की ने अपनी तारीख दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं दरिलिस एर्तुगरल की। ये ड्रामा आजकल पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा मकबूल हुआ है। नाज़रीन, महमद बज़दाग की कलम से लिखा गया यह ड्रामा ऑटमन अम्पायर के बानी उस्मान के बाप एर्तुगरल गाजी की हालात ज़िंदगी, जद्दोजहद और अपने वतन के लिए की गई कोशिशों और उनमें आने वाली रुकावटों पर बनाया गया है। नाज़रीन, ये कहानी काई कबीले से शुरू होती है जिसका सरदार उस वक़्त सुलेमान शाह यानी एर्तुगरल गाजी का बाप था। काई कबीला तुर्क कबाइल में से मजबूत और ताकतवर कबीला था। यह सलजोकी एम्पायर की ज़मीन पर आबाद था। सलजोकी एम्पायर पर इस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी। काई कबीला एक बेहतर सरजमीन के असूल के लिए हलब की तरफ रवाना हुआ। हलब का शहर इस वक्त सलेबी साजिशों से जकड़ा हुआ था, तो उस वक्त से ही एर्तुगरल गाजी की जद्दोजहद शुरू हो गई। एर्तुगरल गाजी ने ना सिर्फ हलब के शहर और उसके अमीर को सलेबियों से बचाया बल्कि इस शैतानी काम करने वाले मरकजी किला को फतेह करके तबाह कर दिया। काई कबीला जब वापस सलजोकी एम्पायर में आया तो सुल्तान अलाउद्दीन ने एर्तुगरल गाजी को अनातोलिया के इलाके में सगोद की ज़मीनों का सरदार आला मुकर्रर कर दिया। मंगोलों ने जब सलजोकी एम्पायर का खात्मा किया तो एर्तुगरल गाजी ने बरके खान और दकनुद्दीन बैबरस के साथ मिलकर हलाकू खान के खिलाफ जंग की। सगोद की सरजमीन पर मौजूद काई कबीला एर्तुगरल गाजी के सरबराही में एक तरफ सलीबियों और दूसरी तरफ मंगोलों से लड़ता रहा। दरिलिस एर्तुगरल में एर्तुगरल गाजी की इस्लाम, इंसाफ और अपने वतन के असूल के लिए की गई कोशिशों को बेहतर अंदाज में दिखाया गया है। इस ड्रामे का राइटर महमद बज़दाग, डायरेक्टर मैटिन गुने और एर्तुगरल गाजी का किरदार अदा करने वाला शख्स एंजन एटन है। इसके टोटल 5 सीजन्स हैं। तो नाज़रीन, तुर्कों ने दूसरा बड़ा ड्रामा जो अपनी तारीख दिखाने के लिए बनाया है वो क्रोलश उस्मान है। क्रोलश उस्मान अटेला एंजन के हाथों एर्तुगरल गाजी के बेटे और एक अजीम इस्लामिक अम्पायर यानी ऑटमन अम्पायर के बानी की जिंदगी पर लिखा गया ड्रामा है। 13वीं सदी के वस्त में तकरीबन 1258 को उस्मान एर्तुगरल गाजी के घर में पैदा हुआ। कौन जानता था कि काई तुर्क सरदार के यहाँ पैदा होने वाला ये बच्चा एक ऐसी अजीम इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखेगा जो तकरीबन 623 साल तक हुकूमत करेगी। उस्मान का अपने वक्त के मशहूर बुजुर्ग शेख अदीबाली के साथ करीबी ताल्लुक था। एक दफा जब उस्मान शेख अदीबाली की दरगाह पर सोया तो उसने ख्वाब देखा कि एक चांद शेख अदीबाली के सीने से निकलकर उसके सीने में दाखिल हो गया है और एक दरख्त उसके पहलू से नमोदार हुआ है और बढ़ता चला गया है। दरख्त की जड़ से निकलकर 4 बड़े बड़े दरिया बह रहे हैं और 4 बड़े बड़े पहाड़ उसकी शाखों को संभले हुए हैं। उस्मान ने जब ये ख्वाब शेख अदीबाली को बयान किया तो अदीबाली ने उसे मुबारकबाद दी, अल्लाह ताला ने तुमको इस्लाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। उस्मान के ख्वाब में आने वाले 4 दरिया दरियाए दजला, दरियाए फरात, दरियाए नील और दरियाए दन्यूब थे। 4 पहाड़ कोहे तूर, कोहे हल्कान, कोहे अतलस और कोहे काफ थे। चूँकि उस्मान की औलाद के दौर में ये अम्पायर उन पहाड़ों और दरियाओं तक फैल गई थी इसलिए यह ख्वाब एक पेशीन गोई थी। उस्मान ने 1299 में इस सल्तनत की बुनियाद रखी और 1303 तक इस पर हुकूमत की। क्रोलश उस्मान में इसी तरह के हालातों वाकयात दिखाए गए हैं। इस ड्रामे को महमद बज़दाग ने प्रोड्यूस किया। इसका अभी एक ही सीजन है, इसके 27 एपिसोड्स हैं। गाजी उस्मान का किरदार बुराक ने अदा किया। नाज़रीन, तुर्कों ने तीसरा बड़ा ड्रामा महमद बिरकेहान फातेह के नाम से बनाया। ये ड्रामा सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौरे हुकूमत और कुस्तुनतुनिया की फतह पर बनाया गया है। सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिनको सुल्तान मोहम्मद दोयम भी कहते हैं, ऑटमन अम्पायर के 7वें सुल्तान थे। इनका दौरे हुकूमत 1451 से 1481 तक रहा। अपने इस दौरे हुकूमत में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ईसाइयों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाले शहर कुस्तुनतुनिया को फतह किया। सुल्तान ने यह शहर 1453 में फतह किया था
इस ड्रामे में सुल्तान मोहम्मद फातेह की तर्ज जिंदगी, सियासी सरगर्मियां, जंगी मार के जसूसी निज़ाम और कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए की गई मनसूबाबंदी को दिखाया गया है। इस ड्रामे को एरकन महमूद एडम ने लिखा है। इस ड्रामे का डायरेक्टर कैबडट मैरकान है। ड्रामे का एक सीजन और 6 एपिसोड्स हैं। ड्रामे में सुल्तान मोहम्मद फातेह का किरदार कैनन मिर्जालगो ने अदा किया है। नाजरीन, तुर्कों ने चौथा बड़ा ड्रामा तुर्की की तारीख दिखाने के लिए जो बनाया है उसका नाम पाया तख्त अब्दुल हमीद है। दोस्तों, ये ड्रामा ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौरे हुकूमत पर बनाया गया है। सुल्तान अब्दुल हमीद ऑटोमन अम्पायर के 34वें सुल्तान थे। उनका दौरे हुकूमत सन 1876 में शुरू हुआ और 1909 तक रहा, यानी 33 साल तक सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत रही। नाजरीन, सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत बड़े आशिक रसूल थे और कसरत से नबी करीम पर दुरूद पढ़ते थे। जब फ्रांस के एक थिएटर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना ड्रामा दिखाने का ऐलान किया तो सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। फ्रांसीसी सफीर को तलब किया और कहा, इस ड्रामे को रोका जाए या जंग के लिए तैयार रहो, हमें हमारे नबी की इज्जत अपनी जान से भी अजीज है। तो फ्रांसीसी ताकत उनके डर के आगे झुक गई। फ्रांस ने न सिर्फ ड्रामे को रोका बल्कि इस थिएटर को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे हुकूमत में वो वक्त था जब ऑटोमन अम्पायर की हैबत और जलालत से कुफार के मराकज हिल जाया करते थे कि ऑटोमन अम्पायर की सरहदें यूरोप से मिलती थीं। इसलिए आपके दौर में सियासी कशमकश और जंगी मारकों का सिलसिला जारी रहा। सुल्तान अब्दुल हमीद की तर्ज जिंदगी, दौरे हुकूमत, सियासी सरगर्मियां और जंगी मारकों को इस ड्रामे में दिखाया गया है। पाया तख्त अब्दुल हमीद द लास्ट एम्परर के तौर पर भी जाना जाता है। इसको सुमान बडोर ने तहरीर किया। इस ड्रामे के 4 सीजन्स और 119 एपिसोड्स हैं। यह ड्रामा 24 फरवरी 2017 को रिलीज हुआ। इस ड्रामे में सुल्तान अब्दुल हमीद का किरदार बुलेंट एनोल ने अदा किया। नाजरीन, तुर्कों ने पांचवा बड़ा ड्रामा जो अपनी तारीख बताने के लिए बनाया है उसका नाम मेहमेटिक कतोल अमार है। यह ड्रामा जंग अजीम अव्वल के एक बहुत ही अहम मार्का की सच्ची दास्तान है जिसमें बरतानिया को ऑटोमन अम्पायर के हाथों इबरतनाक शिकस्त से दोचार होना पड़ा। ऑटोमन अम्पायर की इस फतह में सबसे अहम किरदार कमांडर स्कोपलो अली का था जिसकी जहनियत और बहादुरी की वजह से मारका सर हुआ। इस ड्रामे की कहानी इस कमांडर के गिर्द घूमती है। कटोल अमाल इराक में दरियाए दजला के किनारे वाक़ एक शहर है। ये ऑटोमन अम्पायर का हिस्सा था। जंग अजीम अव्वल के दौरान यहाँ बरतानिया और ऑटोमन अम्पायर के दरमियान जंग लड़ी गई। इस जंग के शुरू में बरतानिया की फौज ने चंद मुसलमान अरब कबाइल की गद्दारी की वजह से इस शहर पर कब्जा कर लिया। बाद में उस्मानी फौज खलील पाशा की कमान में इस शहर पर हमला आवर हुई तो इस तरह बरतानवी फौज इस शहर में मशहूर होकर रह गई। उस्मानी फौज ने शहर का मुहासरा कर लिया। अली स्कोपलो और उसके चंद साथी जो मुहासरे के दौरान शहर में मौजूद थे उनकी वजह से शहर को फतह कर लिया गया। इस जंग में 30,000 बरतानवी फौजी हलाक हुए, 13,164 कैदी बने जिनमें 6 जनरल थे। दूसरी तरफ 10,000 उस्मानी फौजी शहीद हुए। ये ड्रामा महमूद बुज़दाग की कलम से लिखा गया है। इस ड्रामे का डायरेक्टर कमाल आयोदीन है। अली स्कोपलो का किरदार इस्माइल ने अदा किया है। ये ड्रामा 18 जनवरी 2018 को रिलीज हुआ। इसके 2 सीजन्स हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस जैसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वीडियो लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस जैसी मजीद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।